हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी, सुबह का टाइम हो गया है, तकरीबन ये लगा लीजिए कि सुबह के 6:30-7 बजे का टाइम है, क्योंकि आज संडे है। और मुझे लगा था कि भाई थोड़ा सा आज मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, यानी कि मुझे सूट वगैरह सिलने थे, तो उसके लिए जो मैं टाइम वगैरह निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। बट कहते हैं ना भाई, जितना ज़्यादा सोचते हैं उससे ही ज़्यादा अस्त व्यस्त जो है दिन वो यहाँ पर हो जाता है। तो बस यही मेरा छुट्टी का दिन जो है आज इसी प्रकार से रहा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को भी लगेगा कि भाई आज के दिन जो है मुझे कितना सारा काम हो गया था। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी, यानी कि राजमा चावल बनाने की। तो बस संडे है तो ये लगा कि हल्का फुल्का खाया जाए थोड़ा बहुत, और क्योंकि ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ पूरा दिन चलता ही रहता है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो बस यही सब। तो जी, बस अभी फिलहाल उसके लिए मैंने अपनी राजमा जो है वो उबाल ली थी। तब तक जो है मैंने रक्षित को भी नहला दिया था और मैं भी नहा ली थी और रक्षित के पापा भी नहा लिए थे, यानी कि कह लीजिए कि हम जो है आज काफी जल्दी उठ गए थे और सभी लोग जो है नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए थे। और हालांकि ये रहा कि भाई थोड़ा सा राशन वगैरह भी खत्म हो रहा था घर का, तो मुझे लगा कि भाई आज जो है थोड़ा बहुत राशन पानी जो है वो ले आएंगे, बट नहीं जा पाए किसी रीजन की वजह से। बट कोई नहीं, कल देख लेंगे, क्योंकि कल जो है रक्षित स्कूल चला जाएगा तो हम जो है फ्री होके मार्केट जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह जो है अपनी कर सकते हैं, राशन पानी जो भी हमें लाना है, किचन का ही सामान थोड़ा बहुत खत्म हो रहा है, तो बस वो जो है हम लोग ले आएंगे। तो जी, बस यहाँ पर मैंने अपने तड़के की कर ली है तैयारी और राजमा में कुछ इस प्रकार से ही बनाती हूँ। मैं जो है कल नहीं भिगोई थी रात को, यानी कि मैं भूल गई थी रात को जो है राजमा भिगोनी। तो रक्षित के पापा ने सडनली ही सुबह बोला कि भाई राजमा चावल खाने हैं उनको, बट ये राजमा व्हाइट वाली है, ब्लैक वाली राजमा नहीं है, क्योंकि वो गलने में काफी टाइम लगाती है, बट ये वाली जो राजमा है वो काफी अच्छे तरीके से गल जाती है। तो तड़का मेरा यहाँ पर लगभग रेडी हो गया था। हालांकि एक टमाटर जो होता है ना, मतलब हम जो रेड वाले टमाटर लेते हैं रसीले वाले, वो काफी जल्दी गल जाते हैं, और जो बिल्कुल जिसकी कहते हैं ना भाई जो काफी टाइट टमाटर होते हैं और कच्चे कच्चे लगते हैं, वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ यहाँ पर। तो एक टमाटर काफी अच्छा था लाल कलर का, और एक दूसरा था जो लग रहा था कि पक्का पका सा है, बट मैंने उसको भी काट दिया था, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा पकने में। और उसी के साथ यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी चावल चढ़ाने की तैयारी, और तो बस चावल बना लूंगी और राजमा बनाऊंगी। और सुबह हमने एक बार जो है ये कह लीजिए कि अभी घर से जब भी दूध वगैरह हमारा आया था, तो माँ जी ने जो है दलिया बनाया था लस्सी में, यानी कि दलिया वगैरह घोल के पीते हैं हमारे में, सुबह के टाइम पे दलिया पीते हैं, राबड़ी पीते हैं, या फिर कुछ भी जैसे भाई थोड़ा बहुत अपना नाश्ता पानी हो जाता है, तो इस प्रकार से बनने लग जाता है इन दिनों में, ताकि ये रहे कि जब तक खाना वाना बने तो भूख वगैरह ना लगे। तो बस यही था। उसके बाद मैंने वहाँ पर रख दिया था अपना, कह लीजिए कि भाई चावल वगैरह मैंने बनने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए कुछ फोन पता नहीं क्या नोटंकी करे जा रहा है, बट मुझे तब नहीं पता चल रहा था मेरे हिसाब से जो है कि भाई व्लॉग्स जो है कैमरा अच्छे तरह से बन रहा है, बट जब मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई थोड़ी बहुत जो है फोन में गड़बड़ हो गई है। बट कोई नहीं, अब इसको जो है कल जब मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी, यानी कि शूट करूंगी, तब मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, ताकि हर चीज जो है क्लियर दिखाई दे, हर चीज जो है प्रॉपर वे में समझ में आए। तो बस अभी फिलहाल ये सुबह के बर्तन थे, 2-4 चाय वगैरह पी थी, यानी कि दूध वगैरह के थे। तो देखिये इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं, तकरीबन ये लगा जी कुकर वगैरह हो गया था, राजमा वगैरह बनाई काटी, यानी कि लगा जी प्याज टमाटर हो गए थे, रक्षित का दूध बॉईल किया, तो थोड़े बहुत ये लगा लीजिए कि बर्तन वगैरह हो ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले कि भाई थोड़े कम बर्तन हो, और मेरे तो कुछ ज्यादा ही बर्तन होते हैं। और एक मुझे कमेंट्स भी आया हुआ है कि जी आप पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो जी मेरी आदत ही इस प्रकार है कि भाई मैं खुले पानी में काम करना पसंद करती हूँ, और तो जितना खुले पानी में हम लोग काम करते हैं ना, उतना ज्यादा अच्छे से और साफ सफाई से होता है मेरे हिसाब से। और जितना हम पानी को बचा बचा के, कहते ना भाई जैसे गांव में होता है बाल्टियों में लेके पानी तसले में भर के तब काम किया जाता है, तो मुझे उस प्रकार से करने में अच्छा भी नहीं लगता और मुझे जो है ज्ञान भी नहीं आता वैसे करने में। और कह लीजिए कि भाई अपनी अपनी हैबिट हो जाती है, मैं जब तक प्रॉपर वे में साफ ना कर लूँ अच्छे से, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, तो उसी वजह से जो थोड़ा सा है कि भाई पानी वेस्ट हो जाता है। मैं मानती हूँ कि मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, यानी कि कह लीजिए थोड़ा सा पानी में ज़्यादा मैं काम करती हूँ, तो बट कोई बात नहीं, होता है ना कि भाई अपनी अपनी सबकी एक हैबिट हो जाती है, अपना अपना सबका एक तरीका जाता है काम करने का। तो जी बस उसके बाद फिर मैंने खाना वाना दे दिया था रक्षित के पापा को। तो अभी फिलहाल ये जो मैंने सूट पहना था आज, इसकी चुन्नी जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि इस पे जो इतनी मोटी लैस लगी हुई थी, तो ये है ना बार बार जो है मतलब कह लीजिए अपने माथे पे या फिर फोरहेड पे जो है चुभ रही थी मुझे हल्की हल्की, तो मैंने क्या किया इस लैस को ही उखाड़ दिया। मैंने कहा अब ये सूट जो है मैं डेली पहना करूंगी, तो बस अभी इसकी मैंने लैस वैस उखाड़ दी है, ये लैस जो है बिल्कुल नहीं है, हालांकि किसी चीज में काम आ जाएगी। मुझे लगा लीजिए कि मंदिर का जो मेरा क्लोथ्स है येलो कलर,
तक आप लोगों ने देखा होगा, काफी बार मैं उसको बिछाती हूँ, तो उसके आउटलाइन बना दूंगी मैं इस लेस से, काफी अच्छी लगेगी या फिर किसी और चीज पे काम आ जाएगा, जैसा भी रहेगा आप लोगों से तो शेयर मैं करूंगी ही। तो बस अभी देखिए उसके बाद जो है अभी ये चादर वगैरह मैं आज चेंज कर देती हूँ, बाहर वाले रूम की भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो जी देखिए फ्रेंड्स, मेरा डेली का जो डस्टिंग का रूटीन रहता है वो डेली यही रहता है, बट मैं डेली आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, डेली आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ कि भाई किस प्रकार से जो है मेरा रूटीन रहता है। बट ये लगा लीजिए कि चादर वगैरह देखो चेंज नहीं होती है डेली बाहर वाले बेड की, बट झाड़ देती हूँ मैं उसको, दोबारा से झाड़ के बिछा देती हूँ। और फिर मेरा बाहर वाला रूम थोड़ा सा छोटा है, हालांकि ये लगा लीजिए तो उसमें कैमरा वगैरह भी सेट नहीं हो पाता है मेरा, इस वजह से भी नहीं मैं आप लोगों को ज्यादा बाहर वाले रूम का दिखा पाती हूँ। तो बस अभी फिलहाल तो अभी मैंने इसकी चादर वगैरह चेंज कर दी है, अभी कुशन वगैरह भी जो है मैं इसके सेट कर दूंगी अच्छे से, और तकिए कवर भी अपने लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी यहाँ पर झाड़ पूछ भी मैं कर लूंगी, यानी कि कह लीजिए डस्टिंग वगैरह भी जो है वो है वो मैं यहाँ पर अपनी कर लूंगी। अभी बारी आती है पिलो कवर्स वगैरह लगाने की, और लाइटिंग की भी प्रॉब्लम आज हो रही है, यानी कि कह लीजिए कि लाइट जो है आ नहीं रही थी, लाइट गई हुई थी, तो बट ये था कि कोई नहीं जैसा भी काम चल रहा था। तो अभी फिलहाल टेबल को भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ, यानी कि ये मेरा हमेशा का रूटीन रहता है, डेली का मेरा फिक्स रहता है, टेबल साफ करना, इन्वेटर के ऊपर से साफ करना, और डेली जो अपने गेट हैं उनको अच्छे से साफ करना, और किचन काउंटर अच्छे से साफ करना, किचन की जो टाइल है उनको लगभग रूटीनन जो है मैं साफ करती रहती हूँ, और अंदर से ड्रेसिंग टेबल हो गया, सिलाई मशीन हो गई, यानी कि कुछ चीजें मेरी जो है लिमिटेड है कि भाई मुझे जो है डेली इनकी डस्टिंग करनी है, तो बस वही रहता है। और अभी ये शाम का व्लॉग है फ्रेंड्स, दिन में मैंने कुछ ज्यादा खास बनाया नहीं था, तो अभी ये जो हमारी इवनिंग की चाय बन रही है तो चाय मैंने यहाँ पर बना ली है, रक्षित को भी दूध वगैरह जो है वो पिला दिया था, अभी थोड़ी थोड़ी भूख हम लोगों को यहाँ पर लग रही थी, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भाई धागे वगैरह मेरे सूट पे लगे हुए हैं, बट मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, क्योंकि आज जो है मैंने सूट वगैरह सिलने की थोड़ी सी कोशिश की है, पॉसिबल रहेगा तो अगले व्लॉग में आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी, और नहीं दिखा पाई तो सिलने के बाद जरूर दिखाऊंगी, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर दोनों नमकीन रख ली है, एक तो एक खट्टी मीठी वाली है, और एक ये जो आलू भुजिया थी, तो आलू भुजिया मैंने यहाँ पर रक्षित के लिए रखी है, क्योंकि रक्षित थोड़ा सा इसको ठीक ठाक खा लेता है। उसके बाद फिर चाय वगैरह हमने पी ली थी, फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि आज जो है मैंने मलाई का घी निकालना था, क्योंकि काफी दिनों से जो है मैंने मलाई का घी नहीं निकाला था, यानी कि ये कह लीजिए कि मलाई तो वैसे मैं मतलब माजी ही निकाल लेती है, बट होता नहीं भाई काफी बार पतीले में लगी हुई रह जाती है, या फिर दूध को हम 3 से 4 बार बॉइल कर देते हैं तो मलाई आ जाती है, तो उस मलाई को रक्षित तो पीता है नहीं, फिर मुझे ये लगता है कि भाई वेस्ट करने से अच्छा है मैं भी इसको किसी चीज कंटेनर में या फिर किसी चीज में निकालती रहूं, और जब भी ये भर जाएगा, ये लगा लीजिए 15 दिन में भर जाएगा, 10 दिन में भर जाएगा, तो मैं जो है उसकी उसका जो है घी निकाल देती हूँ, मक्खन निकाल के जैसा भी रहता है। और बस अभी जब माजी घर पे नहीं निकालती थी मलाई तो मैं यहाँ पर ही घी निकाल लेती थी, बट अभी माजी निकाल लेती है तो फिर यहाँ पर उतनी मलाई नहीं आ पाती, काफी बार रहता है कि भाई घर से दूध नहीं आता है, और घर से दूध नहीं आता है तो हमें थैली वाला लाना पड़ता है, और उसमें जो है मलाई आ जाती है, उसको रक्षित पीता नहीं है तो वो मुझे वैसे भी हटानी पड़ती है, और फिर जो है मैं उसको इकट्ठा करती रहती हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ी बहुत मलाई मेरे पास यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो बस उसका मैंने घी यहाँ पर निकाल लिया था, पहले मैंने उसको ग्राइंडर से खूब अच्छे से मक्खन निकाला, और उसके बाद जो उसको बॉईल कर लिया था, तब तक मेरा घी बॉईल हुआ तब तक जो है मैंने अपने बर्तन वगैरह भी जो है वॉश कर लिए थे। तो जी देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा मेरा घी यहाँ पर निकला नहीं है, आप लोग भी सोच रहे होगे भाई इतने से घी के लिए मेहनत की है, तो देखिए अगर मैं इसको नहीं निकालती तो ये वेस्ट ही जाता, बट ये है कि देखो कम से कम इतना तो निकला कि ये है कि एक दिन की रोटी जो है अच्छे से हमारी चिपड़ जाएंगी, या फिर एक दिन ही अच्छे से जो है घी हमारा यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म कर रही हूँ रक्षित के लिए, और ये जो है मैंने कुछ भिगा रखे है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता, बस इसकी जो है मैं खीर बनाने वाली हूँ, वही आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल रक्षित के स्कूल से एक फॉर्म मिला हुआ था, शायद आई कार्ड का है, बाकी जब पता लेगा बाद में, और इसको मैंने फिलअप किया है डायरी में से देख देख के, क्योंकि एडमिशन नंबर भरना था और आधार कार्ड नंबर वगैरह भरना था, तो बस उसको मैंने फिलअप किया है, और उसके बाद जो रक्षित बैठा हुआ है, रक्षित की जो आज हमने कटिंग करवा दी है तो काफी अच्छा लग रहा था। तो जो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में वापिस से, अपना डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रक्षित को जो मैंने ग्लूकोज मिला के पानी में वो दे दिया है, क्योंकि बच्चे की शरीर में जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ जो उसको खाते पीते रहना चाहिए। तो बस रोटियां यहाँ पर मैंने बना ली, तो फ्रेंड्स आज जो मैंने सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि सुबह जो मैंने राजमा बनाई थी वही रखी हुई है, थोड़ी सी यानी कि कह लीजिए वही यूज में हो जाएंगे, और काफी अच्छी जो है हमारी राजमा आज की बनी थी, तो बस उसी को हम लोग खा लेंगे, उसी के साथ जो रोटियां हैं, रोटियां भी मेरी यहाँ पर लगभग जो है वो बन गई हैं, तो अभी फिलहाल एक दो रोटी और रहती है वो मैं बना लूंगी, और उसके बाद जो है बाकी का आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार से जो है भाई अपनी जो वो खीर बनाती हूँ मैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी भी याद उसका नाम नहीं, मतलब नाम याद नहीं रहता है, बट कोई बताता है तो याद आ जाता है, हाँ ये नाम था, और बाद में
जो है हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसे होता होगा, होता है ना कि भाई नाम याद रहता है और मन मन में फिरता रहता है, हाँ 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 वो था वो था वो था, इस प्रकार से, और जुबान पर नहीं आता है, बट काफ़ी अच्छा रहता है ये हमारे लिए। और ऑपरेशन के बाद देखिए महिला यानी कि कह लीजिए लेडीजों का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि कह लीजिए उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ रहता है। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन से कह लीजिए कि भाई मेरा बेबी हुआ था, तो इसी वजह से तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध और निकाल दिया है, क्योंकि इस दूध को मैं भारी रखने वाली हूँ, क्योंकि सोते टाइम जो है रक्षित को पिलाऊंगी। और अभी शाम का टाइम हो रहा था तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का, तो बस यही। और लोटे में आप लोग देख रहे होंगे कि भाई मैंने क्या किया है, तो लोटे में मैंने लस्सी में थोड़ा सा बेसन जो है वो घोल रखा है, क्योंकि मैं बनाऊंगी इसकी रबड़ी। तो बस ये था कि रबड़ी जो यानी कि कह लीजिए लस्सी वगैरह में पी जाती है, यानी कि हरियाणा में पी जाती है, झज्जर साइड में काफ़ी सारी, हालांकि मेरे मायके वगैरह में नहीं पी जाती है रबड़ी वगैरह, बट यहाँ पर पीते हैं, तो मुझे बनानी आती है और अब मैंने जो है सीख भी लिए अच्छे से। और बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके वहां पर किस प्रकार से बनती है और कैसे बनती है, क्योंकि सबका मेरे हिसाब से अलग अलग तरीका होता होगा। तो उससे पहले जो है मैं अपनी गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रोटियां वगैरह बनाई थी ना, तो आटे का जो मतलब कहते हैं ना भाई जो आटे का सूखा आटा हमारा होता है वो बिखर ही जाता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। तो साइड में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैंने खाली प्राइफिन चढ़ा लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और अभी मैं ये डाल दूंगी बीज वगैरह है ये, इसको अच्छे से जो है दूध को बॉइल कर लिया था मैंने पहले, उसके बाद जो मैं इसमें अपने जो बीज थे इसको मैं डाल देती हूँ और इसको खूब अच्छे से चलाऊंगी, तब तक जो है मेरा पानी बॉईल हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स आज जो मैंने थोड़ी कमी रबड़ी बनाई है, यानी कि ये लगा लीजिए कि थोड़ी सी बनाई है, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि रक्षित के पापा जो है रात को भी खाएंगे, तो बस अभी मैं देख रही थी कि पानी जो हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी काफी अच्छे से जो है गर्म हो गया था, तो बस ये इसको मैं एक बार फिर से चला लूंगी ताकि लम्स वगैरह हमारे ना बने, और पानी भी जो है हमारा गर्म हो गया अभी फिलहाल। तो अभी जो है मैं इसमें ये हमारे यानी कि लस्सी और बेसन को ऐड कर दूंगी। तो ये जो हमारी रबड़ी होती है फ्रेंड्स काफी पतली बनती है, हालांकि रखे रखे जो है सुबह तक टाइट हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने इसको चलाती रहूंगी, और इसमें मैंने अपना बेसन और ये लस्सी डाल दिया है, इसको चलाती रहूंगी, अदरवाइज इसमें जो है ये फट जाएगी और गांठें जो है वो भी बन सकती है। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, जब तक ये अच्छे से बनने ना लग जाए तब तक जो है हम इसको चलाते रहेंगे। यानी कि आपकी इच्छा है आप तेज गैस पे चलाएं या फिर मंदी गैस पे चलाएं, मैंने जो मीडियम लो रखा है, यानी कि कह लीजिए ना ज्यादा तेज रखा है ना ज्यादा हाई फ्लेम रखा है, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाला फ्लेम रखा है, तो उसी प्रकार से मैं इसको चलाती रहूंगी। और मैंने जो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है, तो बस अभी जो है इसको थोड़ी देर चलाऊंगी, और उसके बाद जो जब ये पकने लग जाएगी तो मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज फ्रेंड्स मैं भी मेहनत करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए अगर व्लॉग्स मेरे पसंद आते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैं अपने यानी कि कह लीजिए दिल से मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ, अपना हर एक चीज शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा चैनल को ग्रो अप करवाइए, आप लोगों की मेहरबानी होगी मुझ पर। और ये कह लीजिए कि भाई थोड़ा सा मेरा भी आप लोग सपोर्ट बन जाइए, फैमिली मेंबर बनिए, ताकि हर चीज़ें हम आप एक दूसरे से शेयर कर पाए। आप भी कुछ चीज़ें मुझे बताइए जो कि आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे नहीं आती है या फिर मेरी इस चीज़ में कोई गलती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे किया करें आप वैसे किया करें, या फिर जैसे भी आपको इच्छा हो वो चीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और इसीलिए करती हूँ क्योंकि हमारे बीच में कह लीजिए कि फैमिली वाला जो बॉन्ड है वो बन पाए और जो है रिश्ता वो क्रिएट हो पाए। तो बस उसके बाद फिर मैंने रख दिया था मेरी जो है ये कह लीजिए रबड़ी पकने लग गई थी, तो बस उसको मैंने गैस को सिम करके रख दिया था ताकि ओवरफ्लो ना हो, यानी कि कह लीजिए फ्राइजिंग से बाहर ना आए, तो बस मैंने सिम गैस करके उसको ढक के रख दिया है। तब तक जो मैं अपने बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर बर्तन वगैरह और हो गए हैं, यानी कि कह लीजिए परात वगैरह हो गई थी और 2-4 बर्तन और हो गए थे क्योंकि अभी रोटियाँ वगैरह मैं जैसे बना के हटी हूँ तो थोड़े बहुत बर्तन देखो हो ही जाते हैं। और देखिए मैं तकरीबन आज आप सोच रहे हो कि बर्तन ही बर्तन हो रहे हैं पूरे ब्लॉक में, तो जी फ्रेंड्स आज सुबह से मैं कम से कम 6-7 बार बर्तन धुल चुकी हूँ। कह लीजिए कि भाई संडे वाला दिन पूरा यही गया कि बर्तन धोते रहो बर्तन धोते रहो, ऐसा लग रहा था कि भाई काम वाली भाई बन गई हूँ, सुबह से शाम तक बर्तन धो रही हूँ। तो देखिए सुबह मैंने 2-3 बार धुले और अभी शाम को भी 2-3 बार धुल चुकी हूँ, आप लोगों से भी मैंने शेयर किया है, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और अगर मैं ना धुलूँ यानी कि ये करूँ कि काफ़ी महिलाएं ऐसे भी करती हैं कि पूरे इकट्ठे बर्तन हो जाती है उसके बाद धुलती है, तो देखिए मेरे सिंक में शायद बर्तन भी नहीं आएंगे, तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे। बस अभी फिलहाल इनको
भी मैं धो लेती हूँ साथ के साथ। तो ये रहता है कि थोड़ा सा काम हुआ हुआ लगता है कि भाई यहाँ काम हो रखा है, ज़्यादा प्रेशर वाली बात जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ जाती है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भाई आज का जो मेरा रूटीन है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा, तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि रक्षित कल जो स्कूल जाएगा और बस उसकी यूनिफॉर्म पर भी मुझे प्रेस करनी थी, और उसी के साथ साथ मेरे पहले के भी कपड़े रखे हुए थे उनको भी मैं जो है आयरन कर दूंगी, क्योंकि तबीयत के चलते जो है मैं अब कपड़ों को प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि सभी को आप लोगों को पता है कि भाई रक्षित को भी बुखार हो रहा था, फीवर हो रहा था, उसको भी मैंने टैबलेट वगैरह दी है, और रक्षित के पापा की भी तबीयत जो ढीली ढाली चल रही थी, तो बस उसी के चलते मैं जो है प्रेस नहीं कर पाई और मुझे उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि कपड़े भी एक तो उतने ज़्यादा नहीं थे, फिर मुझे ये लगा कि मैं संडे को कर लूँगी क्योंकि रक्षित की यूनिफॉर्म को भी प्रेस करना है, मंडे को वो स्कूल जाएगा, तो बस ये था। अभी फिलहाल इसको मैं प्रेस कर देती हूँ और साथ के साथ बाकी के कपड़ों को भी जो है आयरन यहाँ पर मैं कर लूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि भाई प्रेस ने जो है रक्षित कि ये निकर कहीं चिपका ना लियो, क्योंकि ये चीज का मुझे काफी डर यहाँ पर लगता है। और रक्षित के पापा भी जो है वो आ चुके हैं, पापा बेटा अपना मतलब कह लीजिए कि खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर लेटे हुए हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं, मतलब अपना एक दूसरे के साथ वो लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। तो बस अभी फिलहाल जब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ, और तकरीबन काम जो है मेरा वो किचन का हो गया था, बस हमारा जो है खाना खाना रहता है उसको भी हम जैसे कि भाई रहेगा काम मेरा हो जाएगा, जैसे रक्षित के पापा की इच्छा होगी खाने का तो मैं उनको डाल के दे दूंगी और उसी के साथ जो है मैं भी खा लूंगी। और बस अभी फिलहाल प्रेस कर लेते हैं जब तक। तो फ्रेंड्स अभी टाइम लगभग ये लगा लीजिए कि शाम के 8:30-9 बजे के आसपास हो रहा है, और आज जो है मेरा काम रात को 10:30 बजे के आसपास सारा किचन का खत्म हुआ, क्योंकि खाना वगैरह खाया, रक्षित को दूध वगैरह पिलाया, बर्तन वगैरह धुले रात को फिर से दोबारा। तो बस ये कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा टाइम मुझे जो आज लग गया था, हालांकि सुबह उठी थी मैं, मैंने सोचा था कि दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। आज का दिन जो है कह लीजिए पूरा दिन जो है मोस्ट बिजी जो होता है ना, बिजी से भी बिजी कह लीजिए, वो वाला दिन आज मेरे लिए रहा यहाँ पर। तो रक्षित आ गया है, इसको पता नहीं क्या चाहिए, इसको यहाँ पर पेन की इंक चाहिए जो कि मैंने इससे ले ली थी। मुझे ये देखिए बार बार जो है इस पेन की निब के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखिए अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, ये रबड़ी इस प्रकार से बनी है, काफी अच्छी तरीके से जो है पक चुकी है, तो मैंने अभी इसको बंद कर दिया और आप लोगों को भी दिखा दी है। और बाकी सुबह जब मैं इसको बनाऊंगी लस्सी में किस प्रकार से, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और उसी के साथ यहाँ पर ये मेरी जो खीर है वो भी बन गई है, तो बस इसको मैं अपने लिए डाल लूंगी और मैं जो है यही खाने वाली हूँ, खाना वगैरह मैं नहीं खाऊंगी अभी फिलहाल, तो यही चीज जो है मैं अभी खाऊंगी और खा के जो है सो जाएंगे हम लोग खाना वगैरह। तो रक्षित के पापा ने अभी फिलहाल खाना खा लिया है। तो जी फ्रेंड्स आज का व्लॉग रहेगा मेरा इतना ही, मैं मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए बने रहेगा व्लॉग्स में एंड तक।